कि आप रेस्टोरेंट पर खाने पीने जाते हैं तो रेस्टोरेंट बिल पर टैक्सेस ध्यान से समझिए, स्कैम से बचिए। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। ज्यादातर रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगता है, यानी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। एक्सेप्ट वो रेस्टोरेंट जो होटल के अंदर है जहां पर रूम रेंट है 7,500 रुपए से भी ज्यादा। मतलब आप 5-star ताज में खाना खाने गए हो तो भी आपको 18% टैक्स देना होगा, चाहे आप वहां पर रुके भी ना हो। अब बात करते हैं वैट की। अरे भाई किस जमाने में रहते हो, वैट तो कब का हट गया? हां वैट हट गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर रेस्टोरेंट में आप अल्कोहल ऑर्डर करते हो तो उस पर स्टेट रेट के हिसाब से आपको वैट देना होगा। हां ये वैट केवल अल्कोहल अमाउंट पर लगेगा, फूड के ऑर्डर पर नॉर्मल जीएसटी लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब है टिप। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो या इतना ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हो तो रेस्टोरेंट को बोलिए नया इनवॉइस रेज करने के लिए विदाउट सर्विस चार्ज। अगर रेस्टोरेंट ऐसा करने से मना करे तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, जैसा इस रेस्टोरेंट के केस में फाइन लग गया था 10,000 रुपए का। इसके अलावा इंश्योर करिए कि अगर सर्विस चार्ज बिल में एडिड भी है तो वो जीएसटी अमाउंट के बाद में एड हुआ है, ना कि पहले। कई सारे रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि कच्चे बिल पर जीएसटी अमाउंट नहीं लगाया जाता है। इनफैक्ट अगर आपको ये शक हो कि ये पक्के बिल पर भी जो जीएसटी नंबर दिया गया है ये फेक है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। आपके सिटी में रहते हैं और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है कमेंट में बताइए।